लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भी मुहर अभी तक नहीं लगी है। शिवराज सिंह चौहान के पांचवी बार सीएम बनने पर सस्पेंस है। वहीं इस रेस में कई बड़े दिग्गज भी शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा भी सीएम के दावेदार दिखाई दे रहे हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर बीजेपी ने मुहर नहीं लगाई, जबकि शिवराज सिंह सीएम के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच नतीजों के बाद शिवराज सिंह चौहान की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल जहां वो परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, तो वहीं लोगों से भी मुलाकात की। वहीं आज शिवराज भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचे, लाडली बहनों के साथ भोजन किया। लेकिन इस दौरान जब जब मीडिया ने उनसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा, तो वो टालते हुए दिखाई दिए। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि वो सीएम की रेस में नहीं है। पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उसको पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। हेमेंद्र हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हेमेंद्र, दिल की धड़कनें सभी की बढ़ी हुई हैं, कल आज और कल में क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का जो एक्शन है वो पूरी तरह से ये दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस में सबसे आगे हम ही हैं। ये अलग और अलहदा बात है कि जब जब सवाल पूछो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो वो इसको टाल जाते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कोशिश हो रही है कि जो ये चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से, इसमें काफी बड़ा श्रेय जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, क्योंकि लाडली बहना योजना से इस तरह की कामयाबी मिली है। ये पहली अटेम्प्ट है और उसके बाद मीडिया रिलेटेड इवेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दो वीडियोस रिलीज किए। पहले वीडियो में उन्होंने कहा कि वो कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं थे और आज भी नहीं है, और उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो रिलीज किया जिसमें कहा कि वो हर संभव कोशिश करेंगे कि जो लाडली बहना योजनाओं के तहत उन्होंने महिलाओं को जो है 3,000 रुपये प्रतिमाह देने का जो वादा किया उसको पूरा हो। अभी 1,250 रुपये लाडली बहनाओं के खाते में हर महीने जाता है। और इसके बाद उनसे एक सवाल, ये वीडियो जो है ये रिलीज किए गए, लेकिन इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं, जो बाकी दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, वो सभी लोग दिल्ली में हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली में है, लेकिन बाकी लोग चूंकि संसद सत्र भी चल रहा है तो वो संसद सदस्य हैं, इसलिए भी वहां दिल्ली में है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय उसके अलावा भी दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और दिल्ली नहीं जाऊंगा बल्कि छिंदवाड़ा जाऊंगा। मुख्यमंत्री वो कल छिंदवाड़ा जा रहे हैं और छिंदवाड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से सीएम के सवाल पर क्या जवाब दिया गया था, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे आपको। मैं एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में